एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और घर पे होंगे। पिछली जो लाइव वीडियो थी उसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए। उस वीडियो में मैंने अनाउंस किया था गिव अवे, तो गिव अवे के रूल्स आपको अगर जानने हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। ये गिव अवे मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए है, मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स के लिए है, छोटा सा गिव अवे है, तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और जो आज की वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है और ये वीडियो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। सो दिस इज अ टाइम यू कैन डू सो मच एट होम। तो ये सेल्फ स्टडी का टाइम है और इस टाइम पे आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे इफेक्टिव बनाना है ये टाइम, इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो मैं चाहूंगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स फॉलो करें, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स। ये टाइम से हमें क्या सीखने मिल रहा है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्लासेस हो, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, हम अगर चाहें तो हम खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और इसे फॉलो भी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आप मेरे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फॉर सेल्फ स्टडी यू हैव टू कीप इन माइंड टू थिंग्स, वन इज गोल एंड सेकेंड थिंग डिसिप्लिन। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है कि आपका ये जो ईयर है इसका क्या गोल है। हमारा जो गोल है वो हमें ऐसे रखना है कि जब स्टार्ट हो कॉलेज या फिर स्कूल स्टार्ट हो तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना हो कि हमें इतनी सारी चीजें पढ़ाई करनी है। सेकेंड थिंग जो आप गोल सेट करेंगे उसके लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लान किया और कल आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं परसों करूंगा, कल करूं। डिसिप्लिन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप कोई भी प्लान करते हैं, कोई गोल बनाते हैं और आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करते हैं तो आपका वो गोल अचीव नहीं होगा, आपका ये जो टाइम है वो भी वेस्ट होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वन इज गोल, सेकेंड इज डिसिप्लिन। फर्स्ट इज मेकिंग प्लान, दैट इज टाइम टेबल। ट्राई टू मेक वन टाइम टेबल, वीकली टाइम टेबल बनाइए और उस वीकली टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिए। दैट कम्स अंडर योर प्लान, वो आपका प्लानिंग होगा। सब टाइम टेबल कैसे बनाने वाले हो, पहले आपको देखना है आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं। आपके अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो इस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है एंड देन आपको वो टाइम टेबल को वीकली फॉलो करना है। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज पीसफुल स्पॉट। आपको कोई ऐसी जगह सिलेक्ट करनी है जहां पर कोई भी आता जाता ना हो, जहां पर पूरी तरह से पीस हो, शांति हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, मतलब आपका वहां पे टीवी ना हो, व्हाट्सएप ना हो, मोबाइल फोन्स ना हो, आप हो और आपके बुक हो। आपके घर में कोई ऐसा कोना ढूंढिए जहां पर आप पीसफुली स्टडी कर सकते। थर्ड थिंग दैट यू हैव टू फॉलो इज पर टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। उस टाइम टेबल में आपने जो सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाया है तो आप ट्राई कीजिए कि पर टॉपिक आप हर एक सब्जेक्ट का डेली ना सही, एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे तो आप जरूर पढ़िए। ट्राई टू मेक अ नोट्स। आप जो भी टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसका आप ट्राई करें कि नोट्स बनाएं, क्योंकि आपने बचपन से सुना होगा कि कोई भी चीज हम लिख लिख के पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा याद रहती है। तो आप जितना हो सके आप नोट्स बनाएं। खुद से जब हम नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स हमारे लिए इजी भी होता है प्लस हमें याद भी रहता है। सपोज आज आप नोट्स बना रहे हैं तो उसे दूसरे दिन किसी और सब्जेक्ट को ट्राई करने से पहले उस नोट्स को एक बार रिवाइज करें, या फिर अगर आप वही सब्जेक्ट वापस पढ़ने जा रहे हैं दूसरे दिन भी तो आप सबसे पहले कल क्या पढ़ाई किया था आपने उसको रिवाइज करें। पॉइंट ये है कि कंटिन्यूसली आप पढ़ने मत बैठें। अगर आपने 1 to 2 फॉर एग्जांपल आपने 1 घंटे का सेशन रखा है 1 बजे से 2 बजे तक कंटिन्यू आप पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 1/2 आवर के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक ले। बट जब वो 5 मिनट्स का ब्रेक ले उस वक्त ध्यान रहे कि आप व्हाट्सएप ना चलाएं, आपके हाथ में मोबाइल फोन ना हो, आप टीवी ना चलाएं, आप सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करें। और ब्रेक मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला पार्ट नहीं होता है ब्रेक लेना। 5 मिनट्स का ब्रेक मतलब अपने माइंड को मेडिटेट करना, उसमें आप पूरी तरह से रिलैक्स हो।
एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक टेस्ट. आप ऑनलाइन अभी स्टडीज कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे जिसे आप ट्राई कर सकते हैं कि अभी तक आपने जो स्टडी किया वो किस लेवल तक की स्टडी है, तक आप कहाँ तक प्रिपेयर हो. बाय चांस अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने घर पे ही किसी को, अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो आप उनको ही बोलिए कि वो आपका टेस्ट ले. तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो मुझे बोल रहे थे मैम हमारे लिए वीडियो बनाइए, हमारे लिए भी वीडियो बनाइए, कुछ हमारे लिए भी स्पेशल रखिए. सो आई थॉट दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेक वीडियो फॉर यू ऑल. तो आई होप आप इस टिप्स को फॉलो करोगे और अपनी स्टडी जो है वो इफेक्टिव बनाओगे, इस टाइम को यूटिलाइज करोगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे सोशल मीडिया पे. और ये इंतजार आपको बिल्कुल नहीं करना है कि जब कॉलेज स्टार्ट होगा, स्कूल स्टार्ट होगा तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तब आप अगर काउंट करने जाएंगे तो आई थिंक आपके पास डेज बहुत कम होंगे आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए. तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ इटसेल्फ एंड स्टार्ट स्टडी. एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नाउ. आई विल मीट यू ऑल माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.